केवीएस में स्टेनो की एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड्स, आपकी स्किल टेस्ट डेट, ये पूरी रिक्रूटमेंट कब तक कंप्लीट होगी? आप सभी स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं ये क्वेरी रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी दिसंबर में आपका जो फॉर्म है वो आपका 5 दिसंबर से भरने स्टार्ट होंगे, 26 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो यहाँ पर जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपकी फरवरी लास्ट में आपका जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट हो सकता है। और अगर हम बात करें आपके एडमिट कार्ड्स की कि भाई एडमिट कार्ड कब आते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका रिक्रूटमेंट था वो भी इसी टाइम ही आपका आया था, और जो इसकी एग्जाम डेट थी वो भी आपकी लगभग फरवरी 26-27 फरवरी को आपकी डिक्लेयर करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड है वो एग्जाम डेट से लगभग 15 दिन पहले आप सभी की को केवीएस की वेबसाइट में आप सभी को दे दिए जाएंगे। नहीं तो इस चैनल पे आपको लिंक भी कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ या टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं पिन कर देता हूँ, जैसे ही एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, जिसको नहीं मिला इस नाम से भी देख सकते हैं, सरकारी नौकरी वाले बाबा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एग्जाम उस टाइम पे कंडक्ट होगा, और उसके बाद लगभग 1 वीक के बाद आपकी जो आंसर की है, ठीक है, वो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में आप सभी की रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि इनका शेड्यूल आपका बिल्कुल एकदम टाइम टू टाइम पूरा सिक्वेंस वाइज पूरा रहता है। इसके बाद जो स्किल टेस्ट की डेट होती है वो आपकी लगभग 2 से 3 महीने बाद आपकी रहती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम बाद। लेकिन बात करते हैं कि आपका रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी इसका जो होता है वो आपका टाइम से अनाउंस होता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो रिजल्ट इसका आया हुआ था वो आपका अप्रैल में आप सभी का आ चुका था। तो ऐसे में इस बार भी जो रिजल्ट है वो भी आपका रहेगा, अप्रैल में ही रहेगा, लेकिन जो स्किल टेस्ट की डेट है वो आपकी लास्ट ईयर कुछ रीजन की वजह से आपका जो स्किल टेस्ट आपका लेट हुआ था, लेकिन इस बार भी आपका टाइम से होगा, जिस हिसाब से पूरा सिक्वेंस इस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि ये भी जो वैकेंसी है इसका भी कहीं ना कहीं मिशन मोड के थ्रू ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आप सभी को दिया जाएगा। तो ऐसे में स्किल टेस्ट की डेट जो एक्सपेक्टेड हो सकती है वो आपकी जून या जुलाई में हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर आपकी स्टेनो उतनी अच्छी नहीं है तो अभी आपके पास मिनिमम 6 महीने का टाइम जो है वो आपके पास है, आप अच्छे से सीख सकते हो, और जून और जुलाई में जैसे ही आपके स्किल होगा उसके बाद लगभग 1 महीने बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि रिटर्न पे ही होता है और बाकी जो स्किल होता है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइंग होता है, भी एरर वगैरह उसमें नहीं देखी जाती है, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं पूरा रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लेना, साथ ही कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं चीजें पिन कर देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।